महाराष्ट्र के औरंगाबाद में धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप, पुलिस की मॉक ड्रिल के दौरान धार्मिक नारे लगवाए, मुस्लिम नेताओं ने ड्रिल के खिलाफ पुलिस में शिकायत की। तो मॉक ड्रिल के दौरान धार्मिक नारे लगाए गए और इसको लेकर यह शिकायत की गई है। खबर औरंगाबाद महाराष्ट्र से है, आरोप है कि पुलिस ने मॉक ड्रिल के दौरान धार्मिक नारे लगवाए थे। और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इस पुलिस मॉक ड्रिल पर क्या कहा, सुनिए। हम आज पहल करेंगे, हमारे साथ कल सब जुड़ेंगे, तो हम उनके पीछे करेंगे। हमारे बड़े आगे आएंगे तो हम उनके पीछे खड़े हो जाएंगे, लेकिन ये हम सबके नजर में लाने के लिए विषय में आज यहाँ जिनसी पुलिसिंग जमा होगी। कार्रवाई नहीं होंगी अगर तो 4 दिन के बाद हमारा PIL हाईकोर्ट में सबमिट हो जाएगा, रजिस्टर हो जाएगा, और हम हाईकोर्ट को गुहार लगाएंगे कि ये चीज़ को आप इंटरन कीजिए और इसके ऊपर आप हमको न्याय दीजिए। मैं तो चाहूंगा कि अहमदनगर के SP ने जाहिर माफ़ी मांगना चाहिए पूरे मुसलमानों से, और सिर्फ वही नहीं, महाराष्ट्र के DG ने उस पुलिस वाले को और उनकी जितनी भी टीम थी इनको फौरन सस्पेंड करना चाहिए। इनको उस वर्दी के लायक ही नहीं है, क्योंकि जब वो वर्दी पहनते हैं तो वो जात नहीं देखी जाती है, वो इंसाफ करने के लिए है और हर एक के लिए वो वर्दी बहुत सम्मानपूर्वक है। हमारे लिए भी, हम उस वर्दी का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन जब ऐसे घटिया लोग उस वर्दी के ऊपर दाग लगाते हैं तो मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र के DG ने और महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस साहब ने भी महाराष्ट्र के नहीं पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों से माफ़ी मांगना चाहिए कि ये जो हुआ है ये बहुत गलत हुआ है। मयूरेश हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। मयूरेश, क्या है ये विवाद पूरा और क्या इस पर पुलिस की तरफ से कोई रिएक्शन या कोई सफाई आई है? पुलिस या सरकार की तरफ से अभी तक कोई अधिकृत बयान इसके ऊपर आया नहीं है। मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था, उससे पहले भी हमने देखा है कि मॉक ड्रिल जब किया जाता है तो लोग वहां पे होते हैं और उसी पूरे हम कहें कि भीड़ में ये मॉक ड्रिल की जाती है, ताकि अगर ऐसी कोई सिचुएशन पैदा होती है तो पुलिस भी तैयार हो और लोगों भी सतर्क है। लेकिन यहाँ पे मॉक ड्रिल पे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया गया था, ऐसा इंडिया सीलिंग जो औरंगाबाद के MP उनका कहना है, और उन्होंने उसके खिलाफ मामला दर्ज करने की भी बात की है। तो मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो फिलहाल नाराज है महाराष्ट्र की कि क्यों इस प्रकार से मॉक ड्रिल में उन्हें शामिल किया गया या फिर उनका जो अटायर रहता है वो पहनाया गया और उन्हें एक निगेटिव फॉर्म में दिखाया जा रहा है।